Hi everyone, a very good afternoon to all of you. So finally, जिस चीज का हम सबको इंतजार था, finally IFSCA Grade A officer की जो admit cards हैं, उसकी notification out हो गई है. तो 15th अप्रैल को हमारा एग्जाम होने वाला है. ऑलमोस्ट 9 to 10 डेज हमारे पास हैं. अब अपनी तैयारी में शिकंजा कस लो और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. तो डायरेक्टली ले चलता हूं तुम्हें IFSCA की वेबसाइट पे. अगर हम IFSCA की वेबसाइट पे करियर सेक्शन में जाएं, तो करियर सेक्शन में आपको दोनों नोटिफिकेशंस प्लस एडमिट कार्ड का लिंक अवेलेबल हो जाएगा. तो देख लिए, तीन नोटिफिकेशंस आई हैं, जस्ट अभी आई हैं. पहला है कॉल लेटर डाउनलोड लिंक. तो अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपका लिंक आ जाएगा IBPS वाला. IBPS वाला लिंक क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. बेसिकली आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है. ठीक, तो 15th अप्रैल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम है जब तक वह चल रहा है. और अलग अलग जगह सेंटर्स पड़े हैं, ये नहीं है कि एक ही जगह पड़ा है. तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो. और इधर पहले ही लिखा हुआ है ये 15 तारीख तक आपके पास ऑप्शन है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का. ठीक, अब बात कर लेते हैं. उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन हैंडआउट भी आ गया है कि किन पॉइंट्स का बच्चों आपको ध्यान रखना है फेज वन एग्जाम के अंदर. तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है नोटिफिकेशन. ये आपके पास नोटिफिकेशन खुल जाएगी. राइट, सबसे पहले देख लेते हैं. प्रॉपर उन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं, सेम चीजें कि कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं. हम सबको पता है पासिंग मार्क्स रहने वाला है. फेज वन में हमारे दो पेपर्स, पेपर वन में हमारे चार सेक्शंस, दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग क्वालिफाइंग है. सिमिलरली पेपर टू में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस, और यहां पे भी हमारे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ऊपर 100 क्वेश्चंस. अब 50 क्वेश्चंस में हमारे पास बहुत सारा सिलेबस जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. राइट, ये सारी चीजें हमें पता है. तो आगे देख लेते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास. उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हो गई एग्जाम से रिलेटेड, क्या मिनिमम कट ऑफ है, ये ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं. फिर इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर वन के जो हमारे सैंपल क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी दे रखा है. तो जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 2-4 सैंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 अराउंड सैंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है बेसिकली कि अगर यहां पे जब हमें सिलेबस में पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाए तो उधर स्पेसिफिकली लिखा था जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर. बट अगर हम सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं तो सैंपल क्वेश्चंस में हमें सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो जनरल करंट अफेयर्स वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसके अंदर. तो एक क्वेश्चन अराइज होता था कि हाँ भाई जनरल क्वेश्चंस हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद वो कुछ क्वेश्चंस फाइनेंस के बिना भी दे सकते हैं. राइट, फिर आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो गए सिंपल जैसे हर बार होता है. उसके बाद सिमिलरली क्वांट के बाद जिसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस हो गए. और उसके बाद हमारा रीजनिंग और DI हो गया. DI के बाद रीजनिंग. ठीक, रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं सैंपल, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस सैंपल की तरफ जैसे हर बार हर एग्जामिनर्स निकालते हैं इजी वन वो निकाले हुए हैं. ठीक, समझ आ गया. उसके बाद आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर में. फिर क्वेश्चन में जो बाकी हम आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते रहते हो वो सारी डिटेल्स कॉमन की कॉमन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है. आप इसे एक बार के लिए जल्दी से पढ़ लेना. बेसिकली मेन कंसर्न क्या है, ऑन एंड अराउंड आपके पास अब 9 डेज बचे हैं. 9 डेज आपके पास बचे हैं. इन 9 डेज में अब आपको फोकस करना है सिर्फ फेज वन की ओर, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरे कांटेक्ट पे था मैं, वो सब फेज टू की तैयारी कर रहे थे अब तक, क्योंकि वो टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो RBI वगैरह SEBI वगैरह में नहीं थे, गिफ्ट सिटी वगैरह कवर कर रहे थे. बट अब टाइम है कि 9 डेज है, तो सबसे पहले आप फोकस करो फेज वन की ओर. फेज वन के बाद 15 अप्रैल से रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत पकड़ना. 100% पता है हम क्वालिफाई कर देंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम है. तो 15 अप्रैल से जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आओ उसी के बाद फेज टू की तैयारी भी स्टार्ट कर देना. ठीक है स्टूडेंट्स, गलती क्या करते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट आने का, वो बिल्कुल भी नहीं करनी. अभी बिल्कुल ही 100% अपना टाइम जो कहीं और भी भटक रहा था बीच बीच में उसको अब लगा देना है फेज वन की प्रिपरेशन के ऊपर. ठीक है, 2 मॉक्स ऑलरेडी आपको अवेलेबल हो चुके हैं, वो आप करो. उसके बाद आपको बहुत जल्दी बाकी सारे 3 मॉक्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे.
मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, जो उनसे टॉपिक अच्छे समझ नहीं आ रहे हमसे कंसल्ट करो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। सो इन 9 days बिना रुके मेहनत करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।